आप स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन पेपर और चिली को चॉप करते हैं थोड़ी हीट के लिए। की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर चीज छोटी छोटी होती है और इसीलिए ये चंक्स वाले सैलेड से ज्यादा अच्छी लगती है। आप नहीं चाहेंगे कि सैलेड वॉटरी हो, इसीलिए टमेटोज और क्यूकम्बर में से सीड्स निकाल दीजिए। छोटे छोटे पीसेस में डालते हैं। ओके, लैम्ब अब रेडी हो गई है। इसे हमेशा किसी न किसी चीज में चाहिए ताकि इसके सारे दूसरे निकल जाए। स्क्यूअर्स को थोड़ी देर रखकर सैलेड को फिनिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा गार्लिक लेते हैं। और गार्लिक के बारे में एक चीज ध्यान रखिए, आप जितना थोड़ा डालेंगे इसे उतना ही कम कुक करना होगा। अगर आप इसे रॉ डाल रहे हैं तो अच्छे से पीस लीजिए। अगर इसे थोड़ी देर तक कुक करना है तो इसे रफली चॉप कर सकते हैं। और अगर इसे कई घंटे तक ओवन में रखना है तो पूरा ही डाल सकते हैं। टर्की के दो फेवरेट हर्ब्स को रफली चॉप करते हैं, मिंट और पार्सली। पार्सली को टर्किश कुकिंग में काफी यूज करते हैं और मिंट को भी, लेकिन मिंट और लैम एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालते हैं और थोड़ा लेमन स्क्वीज करते हैं। और अब टाइम हो गया है बिग शीपी फिनाले का। वो टर्किश शेफर्ड अपने फील्ड के एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो सिर्फ सैलेड ही नहीं बनाते, लैम भी नहीं खाते, बल्कि चीज भी बनाते हैं। टर्किश पेटर्स चीज हमारी सैलेड को और अच्छा बना देगा। और ज्यादा डेप्थ है।